मैंने जितनी भी यशराज की फिल्में देखी हैं, हमेशा कुछ ट्रेंड सेटिंग होता है उनकी हीरोइंस के ज़रिए, और लोग जो वेट करते थे कि यश जी की हीरोइंस क्या पहनेंगी, यशराज फिल्म की हीरोइंस क्या पहनेंगी, और उससे नए ट्रेंड शुरू होते थे, चाहे वो पेस्टल प्लेन साड़ीज हों, चाहे वो अलग अलग तरह की शॉर्ट कमीज़ हों, मतलब शॉर्ट क्रॉप टॉप्स हों, अलग फिल्में जब आप सोचो तो हर में एक फैशन स्टेटमेंट था। बट मैं ये देख रही हूँ जो इनकी फैशन, मैंने इनका फैशन शो देखा था जो लॉन्च किया था इन्होंने, आई थिंक इट वॉज द अमेजिंग कलेक्शन फॉर अ इंडियन वुमेन। तो एक भारतीय नारी कितनी खूबसूरत दिखेगी भारतीय कपड़ों में, वो यश चोपड़ा और यशराज फिल्म से बेटर कौन जानता है। मोदी सरकार ने क्या उम्मीद रखती है, ये एंटरटेनमेंट टैक्स बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। बिल्कुल, ये तो सबसे ऑब्वियस बात है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि उन्हें बहुत एक सिंपल सा और बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन मांगी है उन्होंने कि इट्स किलिंग आर इंडस्ट्री, आप हमारे एंटरटेनमेंट टैक्स को थोड़ा सा बेनिफिट दीजिए, बिकॉज टिकट की कॉस्ट इतनी हाई है तो ऑडियंस ऑब्वियसली जाहिर नहीं जाता है, बट मोर देन दैट हमारे देश के लिए हम बहुत प्रोत्साहित हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी इंडस्ट्री को, साथ में ही मिलेंगी, और हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं इस बार सरकार में, सो वी आर एक्सपेक्टिंग फैबुलस थिंग्स।